हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बॉली पॉइंट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अमिताभ बच्चन के दिल पर अगर कोई राज कर रही है तो वो है जिया बच्चन, जिसके निधन की खबरें मंजरे आम पर आ रही हैं। अगर आप बच्चन फैमिली के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए यूट्यूब के मुनफरिद चैनल बॉली पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी खबर आपसे मिस ना हो पाए। जी हाँ, आपको बताते चले कि जिया बच्चन के निधन की खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिया बच्चन भी कोरोना का शिकार हुई थी, जिसकी वजह से उनको अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। उनको उस अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां लता मंगेशकर का निधन हुआ था। अब उनके निधन की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। आपको बता दें, जब से ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, बच्चन फैमिली का हर एक फर्द बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। जिया बच्चन की सेहत में बेहतरी ना आने पर अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि उनकी वाइफ जिया बच्चन के लिए प्रे करें ताकि वो जल्दी से खुद को रिकवर कर पाए और पहले से हमारे दरमियान में मौजूद हों। और अगर हम ऑपोजिट देखें तो जो लोग हेटर थे, उन्होंने जिया बच्चन के निधन की खबरें भी फैला रखी हैं। तो हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर आपने ऐसी खबरें सुनी हैं या देखी हैं, तो ऐसी खबरों पर यकीन मत करें। इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। जिया बच्चन पहले से काफी बेहतर हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन उनका निधन नहीं हुआ। ये लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं, तो ऐसी खबरों पर यकीन मत करें। तो आपका ऐसी झूठी खबरें फैलाने वालों के बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय से कमेंट सेशन में आगाह करें और ऐसी मजीद लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए यूट्यूब के मुनफरिद चैनल बॉली पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें और हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आए दिन हम आपको नित नई खबरों से आगाह करते रहे। शुक्रिया।